CMM is a foot tech company और हम world class orthopedic footwear और insoles बनाते हैं। ये आपने जो arch बनाया ना इसमें, वो अच्छा बनाया है। And probably custom solution ही इसका answer है। Proxy made in India patented technology लाया है। अपना live assist book करके कहीं भी देख सकते हैं। Tweak Labs। हम चाहते हैं कि हर athlete अपनी sports की best coaching कर सके। I like you guys। आप ने प्रॉब्लम के साथ आइडेंटिफाई किया है तो काफी डिटेल में आप चले गए। हम एक फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेज कंपनी है। ये सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सीजनल लोकल इंग्रेडिएंट से बनते हैं। मेरे को नहीं लगता ये इंडियन पैलेट के हिसाब से। माय ऑफर इज 40 लाख 25% इक्विटी। हमको देखो इसमें आना है पूरा दिल लगा के यार। हम 10 पे आ गए, अब इससे नीचे नहीं आ रहे। आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें जमीन पे मत रखें, गंदे हो जाएंगे। ये सब फिल्मों में सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर क्या रियल लाइफ बिना चले निकल सकती है? सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक्चुअली मेरे पैर बहुत ज़्यादा चौड़े हैं और मुझे कभी भी कंफर्टेबल फुटवेयर नहीं मिला और हमेशा मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट से निकलना पड़ा और मेरे को नैरो फिटेड फुटवेयर पहनने पड़े। और जिसने कि मुझे पुश किया मेरी कंपनी फॉर्म करने के लिए, इसका नाम है कलामी मैट प्राइवेट लिमिटेड। मैं 15 साल से एक मैराथन रनर हूँ, लेकिन मैं जब भी भागता था मेरे पाँव डगमगाने लगते थे। जब CMM टीम ने मुझे इवेल्युएट किया तो पता चला मैं सीवियरली फ्लैट फुटेड हूँ। शार्क्स, आप लोग सब देख सकते हैं, मैं मेरी नीज जॉइन नहीं कर सकता। ये कंडीशन को बोलते हैं बोल लेग्स। ये सिवियर फ्लैट फीट की कंडीशन है। उसके बाद जब CMM ने मुझे सपोर्टिव इंसोल्स दिए तो मैं स्मूथली रन कर सकता हूं और मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। CMM इज अ फुट टेक कंपनी और हम वर्ल्ड क्लास ऑर्थोपेडिक फुटवेयर और इंसोल्स बनाते हैं। राइटर इन इंडिया और दुनिया में पहली बार हमने लॉन्च किया है कस्टमाइज फुटवेयर जो आप 10 मिनट में बना सकते हैं। हम दोनों फाउंडर्स हैं कलामी मैट प्राइवेट लिमिटेड के और आज आपके बीच आए हैं आपके सपोर्ट के लिए। तो आज हमारा आस्क है 40 लाख 10% इक्विटी के अगेंस्ट। तो शार्क्स, क्या आप CMM के साथ जुड़ के आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे? हम एक्चुअली पीयूष को इनवाइट करना चाहेंगे। हम उनके लिए कस्टमाइज इंसोल बना रहे हैं। Oh, nice. तो उसका हम लाइव डेमो देना चाहेंगे आपको। Pushy Vikan, thanks a lot. Thank you so much. आपने मेरे लिए क्यों बनाया है इंसोल? या आपका साइज सबसे बड़ा है? We like people who are large-footed. So can I see your left foot actually? Just wanted to see your arch. Can you just keep your feet straight? Yeah, you have arch. It's not that, but it's very low. So we will go for medium. Just like I'll just put this. Can you remove your feet? So now I'll mold your arch. ठीक है। हमारे पास यहाँ पे small, medium, large ये 3 arches हैं। हम ये इन arch इसके ऊपर चिपका देते हैं। हम एक insole blanks लेते हैं। ये blanks को मैंने ऐसे उल्टा रखा है और उसपे ये मैंने heat proof fabric रखा और फिर heat gun जिसे कि हम लोग heat देंगे, जिससे कि malleable हो जाएगा, soft हो जाएगा, तो मैं इसको mold कर पाऊँ। ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में होता है? नहीं नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू एज। आजकल लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत है, लोगों वालों को भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है अर्ली एज में एंड मेरे जैसे भी काफी लोग हैं। इंडिया में 2 out of 5 पीपल आर फ्लैट फुटेड ऑफ सम काइंड एंड वो लोगों को पता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है। बट वुमेन टिपिकली हैव मोर इश्यूज देन मेन। या और ये मेरा शेपर है जिससे कि मैं शेप करूंगी एंड ये मेरा इंसोल है जो कि मैं अभी इस पे रख रही हूं, व्हिच इज अ ब्लैंक इंसोल। तो अभी मैं इसको इस आर्च के हिसाब से शेप करूंगी एंड देन फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आर्च आई है और ये अब बहुत एर्गोनॉमिक लग रहा है। इसके अंदर हील कप भी है। सो दिस इज रेडी टू वेयर। सो आप इसको फील कर सकते हैं। आप पाँव रखिए ना इस पे, आप शूज निकाल के खाली पाँव रखिए, आप देख लीजिए आपको कैसा फील आ रहा है, आर्च कैसा लग रहा है आपको? आज तो आ रहा है, आज आ रहा है। Yeah, thanks a lot. Thanks a lot, Pish. आपने जो आर्च बनाया ना इसमें, वो अच्छा बनाया है मेरे हिसाब से एंड प्रोबेबली कस्टम सॉल्यूशन ही इसका आंसर है, बिकॉज़ रेडीमेड सॉल्यूशन में वो एग्जैक्ट नहीं मिलता है। आई कैन नॉट मिमिक योर फीट। ये शूज में आई थिंक कुछ स्पेशल है। या
So it has a changeable insole actually. You can remove it and put it for wash. So for hygiene purpose also it's very good. Oh, Velcro. Yes, yes, yes. Okay, Velcro. Got it. Okay. और एक कॉक का बना हुआ है, so cork is the best material for your feet. Absolutely. So it's like this. So this is the world's first time हमने ये innovate किया है. I love it. राजीव त्रिशला, एक problem को थोड़ा समझते हैं. Sure. आपने काफी claims किए यहाँ पर 70% people think foot pain is normal, and 40% of Indians have flat feet. Yeah. इतनी गंभीर समस्या है, आप थोड़ा इसके बारे में समझाएं. और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? So, flat feet एक ऐसी condition है actually जो generally genetic होती है और normal लोगों में because हमारा posture सही नहीं होता है, so धीरे 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 हमारी आज naturally वो pronate होने लगती है, means आपकी fall होने लगती है, गिरने लगती है आज, और वो गिरते गिरते फ्लैट हो जाती है एक एज तक आने के बाद में. इससे नुकसान ये होता है कि बिकॉज हमारी जो ये आर्च होती है ये काम करती है शॉक एब्जॉर्प्शन का. अब जब समझिए कि मेरा ये फीट है, ये 4 फुट हुआ, ये तो आपका मिडिल आर्च हुआ और ये आपका हील पार्ट हुआ, तो ये जो 4 फुट है वो आपको स्ट्राइक लेने में हेल्प करता है, हील जो है वो आपको जो भी प्रेशर आ रहा है ग्राउंड लेवल पे उसको करता है, और ये आपका शॉक लेता है. अगर शॉक लेने वाला ही नहीं वर्क कर रहा है तो ग्राउंड लेवल से जो आपको प्रेशर आ रहा है तो वो सीधा आपके हील एरिया में जाता है, आपके सोल में जा रहा है, और वो आपका ट्रांसलेट होता है आपके नी तक, और ये नी से आपके लोअर बैक में भी जा सकता है. इससे पेन और डैमेज हो सकता है. इससे बहुत बहुत पेन और डैमेज हो सकता है. मेरे को प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे को लगता है कि इंडिया में वैसी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम की लिस्ट में लास्ट प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर आप सर सोचिए कि आप अभी एकदम आराम से चल रहे हैं, एक साल बाद में ही आप मतलब ये 10 कदम जो चल रहे हैं वो आप पहले 1 मिनट में कंप्लीट करते थे, बट अभी आपको इसी 10 कदम को कंप्लीट करने में 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, तो क्या तो आपको इश्यू नहीं होगा कि नहीं मेरे को बहुत, और धीरे 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 आपको ये पेन. नहीं अमन, 1 मिनट, आई जस्ट लाइक टू करेक्ट, बिकॉज हम 15,000 ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास MQ जाते हैं. इन्होंने एक चीज मेंशन की अदर देन फ्लैट फीट इज ऑस्टियोपोरोसिस. ये इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मतलब वो इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. दैट्स व्हाट इज नेग्लेक्टेड इन इंडिया. प्रॉब्लम बड़ा है, अवेयरनेस नहीं है, सो पॉइंट इज वो क्रिएट करनी है. आप मेरे को एक बात बताइए याश्नी, कि अगर इतनी ही सीवियर प्रॉब्लम होती तो आपका एडिडास, रीबॉक, नाइकी या जो भी बाटा जो कि मास पे जूते बेचते हैं, वो सिर्फ साइज क्यों नापते कि आपका जी 10 नंबर है, आपका 9 नंबर है? वो एक ऐसे कोई सॉक टाइप बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये नंबर एक चीज है और आपका ये आर्क कर्व का अलग चीज है. मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा ऐसा कुछ है कि आर्क का एक मेजरमेंट है, तो ये मास प्रॉब्लम नहीं है मतलब. तो अश्नीर, हमारी कंपनी का बेसिकली पहले हम लाइफस्टाइल फुटवेयर बनाते थे, और उसके बाद जब हम एग्जीबिशन जाते थे, कस्टमर से मिलते थे, तो त्रिशला के पास वो डॉक्टर नहीं है, बट एवरी सेकेंड लेडी आती थी पूछने के लिए, मेरे को ये पेन है, ये डॉक्टर चप्पल जाए क्या? पॉइंट ये है अश्नीर के एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जो ऑर्थो इश्यूज है ही है. लेडीज को प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं, आप मानेंगे नहीं, मैं और त्रिशला 15-20 गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर आए मुंबई में, टॉप लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट. जब उन्होंने देखा तो बोला कि दिस इज ब्रिलियंट. लेकिन वो प्रॉब्लम मास्क के लिए नहीं है जो आप कह रहे थे मास्क के लिए. तो राजीव एंड त्रिशला, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस. आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस रैपिड फायर, लाइक शॉर्ट सेंटेंस में आंसर्स दीजिए. First question, what is your sales for the last 1 year? Current year ki sales abhi tak 8 lakh hai. Split between B2B, B2C? Mostly abhi tak sab B2C hua hua hai. Investor hai koi? Sirf ek angel investor, ek doctor hai. Kitna invest kiya? Unka 4 lakh ka 1% stake liya unhone. Last question, heels jo pehnti hai ladies mere jaisi. Yeah. Unke liye hai? Abhi insole humne nahi banaya, but that's a next production which will come for heels ke liye, kyunki heels is a big market aur sabse the problem. And what percent of sales is shoes versus only insoles? To abhi tak to mostly sab shoes hi raha hai, ab insoles bhi abhi tak nahi hua, abhi humne launch train the trainer karenge with the kit. Problem bahut hi real hai mere hisab se, main khud iska customer hu aur mujhe bhi yahi problem hai. Iska sabse bada hai na चैलेंज क्या है? स्केलेबिलिटी. दैट्स राइट. इसको अफोर्डेबल बनाना, हर जगह पहुंचाना. आप ना गलत ट्रैक पे हो, आप पता नहीं जूते में क्यों घुस गए. आपका मेरे हिसाब से कस्टमाइज्ड इंसोल, अफोर्डेबल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी, आपको खाली यही करना चाहिए.
राइट, ये सब बाकी बंद कर देना चाहिए, जूते बेचना, फैशन में घुसना, सबसे बढ़िया सोल सबसे सस्ता बनाना और उसकी सप्लाई चेन सेट करना कि कैसे आप उसको ऑटोमेशन से बनाएं। सारे शू वाले, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो नाइकी हो, चाहे वो बाटा हो, आप उनसे टाई अप करिए, वो आपका इंसोल, उनको मार्जिन मिलेगा। Right. तो मैं आज इससे बाहर हूं, मुझे लगता है आपको कम से कम $4-5 million रेस करना चाहिए। आपको एक बहुत बढ़िया टीम चाहिए ऑफ इंजीनियर्स, जिनको आपको 20-30-40% इक्विटी दे देना चाहिए टेक को-फाउंडर को, और आपको इसको ना सोल बिजनेस बनाना चाहिए। इतना बड़ा बिजनेस बन सकता है। मेरे को अभी समझ नहीं आई प्रॉब्लम। होती तो कोई सॉल्व कर रहा होता बड़ा, वो जूता बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं। अगर ये जेन्युइन प्रॉब्लम होगी और अवेयरनेस बढ़ेगी भी, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको। अगर कल को मेरे को एक एडिडास वाला इंसोल दे रहा है और मैं एडिडास का जूता खरीद रहा हूँ, मैं एडिडास का इंसोल लूंगा। रीबॉक वाला दे रहा था, मैं उसका ही लूंगा, क्योंकि मैं उसका जूता पहन रहा हूँ, तो मेरे को उसके इंसोल पे ज्यादा ट्रस्ट होगा राधर देन अगर आप कुछ बना लेते हैं। तो इस कारण से मैं आउट हूँ। I like you guys. आपने प्रॉब्लम के साथ आइडेंटिफाई किया है, तो काफ़ी डिटेल में आप चले गए हैं, लेकिन मैं ये बात से सहमत हूँ कि ये फैशन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में आपका मार्केट नहीं बन पाएगा। मैं ये मानता हूँ कि आपको इंसोल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड और पर्सनलाइज्ड करना चाहिए। उसमें कस्टमाइज की ज़रूरत नहीं है, कस्टमाइज में स्केलेबिलिटी मार खा जाता है। आज आपका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी वो नहीं है, इसीलिए मैं बाहर हूँ, लेकिन आप प्रॉब्लम अच्छा सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। तीन शार्क आउट है। मेरे शुरू से यही प्रॉब्लम थी कि अगर आप ये कह रहे हो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये नहीं है, उसका मुझे अभी डाउट है। फॉर नाउ आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई वुड लाइक टू मेक यू एन ऑफर। माई ऑफर इज गोइंग टू बी अ बिट स्टीप, क्योंकि मैं इसमें पैसिव इन्वेस्टर नहीं रहूंगी। आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ माई पर्सनल टाइम, एक्सपर्टीज एंड नेटवर्क। तो आई वुड लाइक टू मेक यू एन ऑफर of 40 lakhs, but 25% equity. सो नमिता, वी अप्रिशिएट यू नो आप इस इंडस्ट्री से, एंड हमें ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो इंडस्ट्री से हैं, एंड वी डेफिनेटली अप्रिशिएट। तो यू नो हमें एक आपको काउंटर ऑफर देना है। आर यू सीरियस? 25% इज काइंड, इट्स अ गुड ऑफर। काउंटर अगेंस्ट व्हाट? गुड ऑफर, ग्रेट ऑफर। चार साल है अभी। आई मीन ऑनेस्टली मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई आपका सेल्स जान के। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ इट्स एज गुड एज pre-revenue. I think it's a good offer. It's not only a good offer, it's the only offer. Boliye. So, Namita, 20%, 40 lakhs. Let's close with that. It's a deal on. 25 is good enough for me to get what I need to get. I need to have a substantial stake. मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जूते घिस जाएंगे, इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। कर लो आप। Thank you, Ashir. Very kind of you. Yeah, Tisha. What do you want to do? Okay, we'll take your offer. It's a deal. It's a great offer. I'll help you make it big. Thank you. Good job, guys. Congratulations, guys. Congratulations. And I wish you best of luck. Really wish you best. We will make it happen. Absolutely. We will. Thanks a lot. Thank you. All of you. Thanks, guys. Take care. Thank you. Bye. Take care. We did it, guys. Thank you. Whoa. I'm very happy with this good, deal. Good deal. I love it. Very nice. I love this business. Congratulations. I love right. it. Good ones. शार्क्स, मेरा नाम है माशी, मैं 41 साल की हूँ और हमारी कंपनी का नाम है मावी। हाय शार्क्स, मेरा नाम विक्रम है और मैं 36 साल का हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स आपके डेजिग्नेटेड ड्राइवर फ्रेंड से लेकर आपके कॉकटेल लविंग फ्रेंड्स सबके लिए परफेक्ट है, इसे आपके घर के बच्चे और बड़े सभी पी सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑफिस पार्टी हो या संडे को फैमिली पिकनिक, हमारे प्रोडक्ट हर जगह फिट हो जाते हैं। हम एक फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेज कंपनी है जो गट फ्रेंडली फंक्शनल फूड जैसे कि कम्बुचा, क्वास, तिपाचे, सॉरक्रॉट, केफिर आदि बनाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आर्टिजनल हैं और ऑर्गेनिक सीजनल लोकल इंग्रेडिएंट से बनते हैं। फर्मेंटेशन
फूड प्रिजर्वेशन की हजारों साल पुरानी ऐसी कला है जो आपके रेगुलर फूड को डिलिशियस तो बनाती है लेकिन साथ में डाइजेशन में भी बहुत मदद करती है। हम इसी भूली हुई कला के साथ इतने सारे वर्ल्ड क्लास फर्मेंट्स इंडियन टेस्ट बड्स के हिसाब से डेवलप करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम अपनी कंपनी के 5% स्टेक के बदले में आपसे 40 लाख रुपए लेने आए हैं। तो शख्स आपके पास जो प्लेट है उसके अंदर 3 शॉट ग्लासेस हैं और 2 छोटे जार्स हैं। नमिता जो आप पी रही हैं वो जिंजर हनी कम्बुचा है, जिंजर हनी और शहद और अदरक। चलिए इसमें चीयर्स कहते हैं। बिल्कुल, ये चीयर्स टू योर हेल्थ एंड माइन। द सेकंड वन यू आर ट्राइंग इज हिबिस्किस जिंजर एल। इसमें हिबिस्किस फ्लावर को हमने जिंजर एल में इन्फ्यूज किया है। इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। फर्मेंटेशन के लिए शुगर का इस्तेमाल किया जाता है बट टेस्ट एनहांसमेंट के लिए दैट्स नॉट द पर्पस। और ये क्या है? तीसरा वाला। तीसरा वाला पी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लव पोशन 66। दैट्स कम्बुचा का फ्लेवर है, इसके अंदर ब्लूबेरीज है और घर का बनाया हुआ रोज वाटर है। नेक्स्ट आपकी प्लेट के अंदर होगा फर्मेंटेड गार्लिक। ये शहद में हमने गार्लिक को फर्मेंट किया है। इट विल नॉट टेस्ट लाइक गार्लिक। गार्लिक का स्पेशलिटी ये है जब ये फर्मेंट हो जाता है ये प्रोसेस खराब नहीं होता। इसको हम हमारे पास एक घर पे बैच है जो ऑलमोस्ट 3 साल पुराना है। हमने जब पहली बार बनाया था हम इसको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं तो खराब नहीं होता है। भाई तुम 3 साल पुराना खाना खिलाते हो घर में लोगों को बुला के? नहीं नहीं, वो तो इट्स अ डेलिकेसी। जैसे वाइन कितनी पुरानी होती है अच्छी हो जाती है, वैसे ये भी डेलिकेसी है। ये क्या है? किमची। ये किमची है बट इट्स अ वीगन किमची, इसमें फिश सॉस नहीं है, सो इट इज जस्ट फॉर द इंडियन पैलेट सो टू से। ये सारे प्रोडक्ट्स हम जनरली यूज करते हैं, साइड डिश में खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी और सैंडविचेस, पिज्जास, फ्राइड राइस में मिला के खाए। ड्रिंक्स अच्छे हैं, किमची इज आल्सो वेरी गुड। थैंक यू। मुझे ड्रिंक्स इतना अच्छे नहीं लगे। बहुत बहुत तीखे हैं। ये ड्रिंक्स अच्छे हैं। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, द जिंजर हनी। हमारा ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय एक फ्लेवर है। तो विक्रम और मीनाक्षी, आप एक दूसरे से कैसे मिले और कैसे ये आइडिया आया कि हमें ये हेल्थ रिलेटेड, which is of course very important, business शुरू करना है? हम लोग पले बड़े जयपुर में हैं। 2015 में हमने शादी की। He was a merchant navy officer. Wow. तो 2017 में हम US में travel कर रहे थे। हम अपने दो दोस्तों से मिले जिनकी वजह से हम मिले थे, वो US citizens हैं। Okay. जिनकी वजह से हम 2011 में मिले थे। पहली बार मिले, शादी की, दूसरी बार मिले उन्होंने कम्बुचा दे दिया। So, वहां से हम कल्चर लेके आए। धीरे धीरे जब हमको हेल्थ बेनिफिट, इसको हेल्थ बेनिफिट्स पता लगे तो हमने कहा ये तो अब बस यही पीना है। देन पवई के ऑर्गेनिक फार्मर्स में मार्केट में गए, पहले दिन वी वर सोल्ड आउट एंड वी लाइक Oh, what just happened? We were definitely not expecting that. So by the end of 2018, हमको realize हुआ कि कुछ तो है, क्या है नहीं पता है। तो दो साल हमने कहा चलो इसको 2-2.5 साल देते हैं, थोड़ा अपना हर चीज को साइड में रख के, और तब हमने इसको बहुत consciously करने की कोशिश की। ये जो आपका ब्रांड है ये मीनाक्षी और माशी एंड विक्रम, माशी एंड विक्रम। हम मीनाक्षी को घर पे प्यार से माशी बोलते हैं। अच्छा। हम विक्रम, सो उससे माँ और वी बन के आया। और फिर हमने, चूंकि ये ब्रांड नेम भी था और कंपनी का नाम भी रखना था, तो हमने अपनी कंपनी का नाम रखा मिराक्युलस एंड वाइटल इंडल्जेंस, बिकॉज हमें लगा कि कितनी मिराक्युलस चीज है। बॉटल्स देख सकते हैं बिल्कुल। और ये जो अगर आपको एक सोडा टाइप फीलिंग आ रही है, ये आर्टिफिशियल कार्बोनेशन नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल कार्बोनेशन है। सो कोई बाहर से कुछ नहीं डाला गया है। तो ये जो आपके हाथ में है बीट क्वास, नॉर्थ में इंडिया में जो गाजर की कांजी बनाई जाती है और रशिया में ब्रेड से क्वास बनाया जाता है, तो उसको मिला के हमने बीटरूट का क्वास बनाया है, which is a very good hangover cure also and very good for blood. ये तो बहुत बड़ा problem है drink business में, 2 months shelf life. Product खराब नहीं होता. Edibility is not a problem. Palatability sometimes becomes a problem because this has to be refrigerated. कुछ products refrigerated हैं, beet quass को refrigeration की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो refrigeration चाहिए होता है वो लोग ढंग से refrigerate नहीं करते। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे market में जब हम कोई ऐसी चीज़ ला रहे हैं जो जनता धीरे धीरे adopt कर रही है और अच्छी लग रही है जनता को, वो उनको एक्सपीरियंस खराब हो जाए। तो हम 2 महीने रखते हैं, 2 महीने में निकल भी जाता है, तो इतना कुछ इशू होता नहीं है। क्या जो... एक बात बताऊं, इसमें ऐसा क्या नहीं है? बहुत सारे लोग अलग अलग ड्रिंक बेच रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल। और ये जो है ना कि फ्रेश है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, वो तो गिवन ही है। यहाँ पे इतने लोग बोल चुके हैं प्रिजर्वेटिव फ्री है, मैं तो सोचने लगा पिछले वाले लोग प्रिजर्वेटिव डालते ही क्यों थे, मतलब शौक में डालते थे लगता है। तो आप बताओ क्या इसमें ऐसा है जो कि
बहुत ही डिफरेंट है और ये जो कि स्केल अप हो सकता है, क्योंकि टेस्ट वाइज मेरे को नहीं लगता ये इंडियन पैलेट के हिसाब से। पहले हमको भी ऐसा लगता था जब हमने 2018 में जब शुरू किया था, क्योंकि हमने इतने इवेंट्स किए, लोग बाग लेते थे ये क्या है, ये मुझसे नहीं पिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अब अगर आप देखें तो इसके अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है, कम्बुचा, क्वास, ऑल द फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेज। यार पर जब कस्टमर एक बार पहले घुट में ही मुंह बना लेगा तो उसको धीरे धीरे का इंसेंटिव क्या है? एक चीज होती है अक्वायर्ड टेस्ट, मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा सा अक्वायर्ड टेस्ट की चीज है और वो होता है रईसों का काम, जैसे आप वाइन हो गई, थाई फूड, कोकोनट, एनी कोकोनट बेस, तो इसको टाइम लगता है अक्वायर करने में, ऐसी बात नहीं है इसके साथ। आपने सही बोला, एक ऊंची क्लाइंटेल को दे रहे हैं हम, अपर मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास को सर्विस कर रहे हैं। 200 रुपए के बेवरेज मेरे पापा नहीं लेते, लेकिन मैं लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। आई डोंट वांट टू हैव अल्कोहल एवरी डे। अच्छा पहले सेल्स बताइए। हमने पिछले साल 24.5 लाख का सेल किया था, उसके पिछले साल हमने करीबन जस्ट अंडर 12 लाख का सेल किया था, इस साल हम ईयर टू डेट 21.5 लाख का सेल कर चुके हैं और हमारा प्रोजेक्टेड है 35 लाख। 2 महीने में अगर नहीं बिका तो एक्सपायर हो जाएगा, तो वो गुड्स आपके पास आएंगे, प्लस आप क्रेडिट पे देते होंगे। लेकिन हमारा आरटीवी रेट इतना नहीं है, मतलब क्योंकि अभी बिजनेस छोटा है, फार्मास्यूटिकल या किसी बिजनेस में एक्सपायरी और शेल्फ लाइफ बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें जब आप 2 महीने की शेल्फ लाइफ रखते हो और इतने सारे SKUs, मैं देख रही हूँ आपके पास इतने SKUs हैं एंड इतने SKUs में 35 लाख सेल्स है, तो अभी छोटा है बिजनेस इसलिए आपके आरटीवी कम है। जैसे बिजनेस स्केल होगा, रिटर्न्स और एक्सपायरी आपका बॉटम लाइन फिनिश कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट। आप ये समझाइए मावीज कैसे ये मार्केट में डिफरेंशिएट करके अपनी एक पहचान बनाएगा, सबसे बड़ी पहचान, कैसे मावीज इसका कोक बनेगा, ये पूछ रहे हैं। क्योंकि मावीज सिर्फ कंबुचा नहीं है, मावीज इज गोइंग टू बी अ फर्मेंटेशन फूड एक्सपर्ट। मैं अपना डिसीजन, वो सही डिफरेंशिएशन, मैं अपना डिसीजन बना दिया है, मैं आउट हूं। जब से आया था खाली एक ही क्वेश्चन पे अटका हुआ हूं कि आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और आपने जिस तरह बोला कि आपका डिफरेंशिएटर खाली कंबुचा नहीं है और बाकी चीजें हैं, यू लॉस्ट मी देयर। मेरा एडवाइस यही है कि कंबुचा का सबसे बड़ा ब्रांड मावीज बना लो, फिर दूसरी चीजें करना। पहली बात, मुझे आपके जो प्रोडक्ट्स है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मैं आपका जरूर यूजर बनूंगा। मैंने वो भी देखा, कैलोरीज बहुत कम है, 20-24 कैलोरी के प्रोडक्ट्स हैं। मुझे यही लगता है 250 रुपए का ड्रिंक आम आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए भी महंगा है। इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग अ कोक, नॉट इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग अ फ्रेश लाइम सोडा। तो मैं बाहर हूँ, आप बड़ा करिए, फिर आइए शार्क टैंक में, फिर इसको इवेल्युएट करेंगे। आपने एक चीज बोली कि इंडियन में भी कांजी जो होती है वो भी फर्मेंटेड होती है। मैंने आज तक कोई कांजी का ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में नहीं देखा। तो अगर आपको पता है कि ये कांजी एक इंडियन टेस्ट ऑलरेडी है, वो भी फर्मेंटेड है, तो आपने उसको क से कांजी भी बना सकते हैं ना। आप तो एक अमेरिकन नाम पे अटक गए। आम पन्ना पेपर बोट ने आके पैकेज कर दिया, उसके बाद सबने कॉपी किया, बट कैटेगरी तो आम पन्ना की पेपर बोट ने बनाई ना। पेपर बोट से पहले आम पन्ना कोई पैकेज ड्रिंक की तरह नहीं बेचता था। तो हर चीज में अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी को समझ के खेले तो बढ़िया है, बट मैं इससे बाहर हूँ। मेरे को नहीं लगता आपका विजन वहां पे है कि आप कांजी जैसी कैटेगरी को पकड़ के एक मेनस्ट्रीम ड्रिंक बना पाए। या मेरे घर आप 2 कार्टन जरूर भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा आपको, मैं आपको भारत पे से पे कर दूंगा। अगर बेवरेज इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखेंगे ना इंडिया में, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार पूरी कब्रिस्तान भरी पड़ी है ऐसी इंडस्ट्री और ऐसी बॉटल्स और ऐसी ब्रांड्स के साथ। और किस लिए? क्योंकि प्राइसिंग या तो गलत थी या उन्होंने प्रोडक्ट ऐसा लाया जो हैबिट क्रिएशन करना पड़ा। बिना प्राइस के नहीं होगा ये गेम। 150-200 रुपए का जूस इंडिया में बहुत छोटी मार्केट है, और उसमें भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना, उससे बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बाहर निकल के इसको उस हिसाब से सोचना चाहिए। And that's the reason I'm out today. Maafi chahta hun, but I wish you all the best. Thank you so very much. We appreciate all your feedback. Chaliye, thank you so much. Thank you. Okay, फिर ठीक है। ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कस्टमर तो मैं हूँ इनका। आप पैशनेट सेल्समैन है, सेल्समैन। नहीं, but ये ड्रिंक्स बिजनेस बहुत मुश्किल बिजनेस है। प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन फोकस नहीं।
शख्स लोकल लेवल पे आज स्पोर्ट्स कोचिंग कुछ इस तरह से होती है। कोच मैं कल से जहीर खान का एक्शन ट्राई करने की कोशिश करूं, मेरी बॉल स्पीड नहीं बढ़ रही है। अरे भाई तू थोड़ा तेज भाग, थोड़ा लंबा रन अप ले, कन्ना घुमा थोड़ा, बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह तो चार स्टेप्स में 145 प्लस स्पीड पकड़ लेता है। अरे बुमराह यूनिक है, हर कोई यूनिक नहीं होता। तू जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। तो अगर मैं इस तरह से कोचिंग करता हूँ तो कई बार प्लेयर को पता नहीं लगता है कि उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये भी नहीं पता होता कि क्यों हो रही है वो प्रॉब्लम। सब कुछ जो है ना गेस और फील पे चल रहा है, और इस चीज को ठीक कैसे करते हैं जो प्रॉब्लम है ये तो पता ही नहीं चलेगा अगर ये नहीं पता। इसकी वजह से कई सारे प्लेयर्स मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। और हम अनंत, आयुष, श्वेतांक, अमन, एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की टीम इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं, ट्वीक लैब्स। ट्वीक लैब्स में हमने एक स्मार्ट वेरेबल बनाया है जो एथलीट का मोशन 3D में कैप्चर करता है। हम किसी भी एथलीट की उनके स्पोर्ट में उनकी एक्शन बारीकी से जांच करते हैं, और जो इनसाइट्स निकलते हैं वो उनको और उनके कोच को एक फोन ऐप में प्रोवाइड करते हैं एकदम तुरंत। हमने जो है इसके 12 सेंसर्स हैं जो बॉडी पे लगते हैं। ये सारे के सारे सेंसर्स बॉडी की अलग अलग लिम्स को कैप्चर करते हैं। एक एक करके ये स्ट्रैप होते हैं और हर मॉड्यूल हर अलग अलग लिम्प पे जाते हैं। उसके बाद प्लेयर को एक टी पोज में खड़ा होना होता है जिससे एक कैलिब्रेशन होती है। इस कैलिब्रेशन के बाद उसका पूरा मोशन 3D में कैप्चर हो रहा होता है। तो अब मूवमेंट जो अभी उसने किया है वो जो है 10 सेकंड के डिले के पास आता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्यों। प्लेयर जो है जब अपनी बॉल डाल देता है उसके बाद वो चाहता है कि वो आकर के अपना एक्शन वापस देखे। हम बेसिकली अब पूरी घुस जाते हैं उसके एक्शन में और वो सारी चीजें बताते हैं जिनको हम प्लेयर्स की KPI बोलते हैं। तो जो भी चीजें जो कि ये किसी भी फास्ट बॉलर के लिए रेलेवेंट है हम वो सारी चीजें बता देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रंट फुट पे आते हैं उस पे इनका जो है ये थोड़ा सा पीछे था, -5 degrees पे था फॉरवर्ड बेंड। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम बना है और ऐसे करके हम जा करके हर ऐसे पैरामीटर्स को ऐसे लिस्ट कर देते हैं ताकि अपने आप कोच को पहली बॉल डालते ही समझ आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। शार्क्स, हम इस तरीके से चाहते हैं कि हर एथलीट अपनी स्पोर्ट्स की बेस्ट कोचिंग कर सके टेक्निक के साथ में, ताकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल डिस्कवर कर सके। अब सिर्फ इंडिया में क्रिकेट ही नहीं, हम दुनिया भर के अंदर हर स्पोर्ट के अंदर ये बदलाव लाना चाहते हैं। हम इसके लिए 40 लाख रुपीज रेस करने आए 2% इक्विटी स्टेक पे। अब शार्क्स, हम इस स्पोर्ट्स के रेवोल्यूशन में आप सबको जोड़ना चाहते हैं ताकि नो एथलीट इज लेफ्ट बिहाइंड। बिल्कुल, आप चारों इक्वल को-फाउंडर्स हो इसमें? नहीं, इक्विटी स्टेक में मेरा और अनंत का 33.2% है ईच। हां ईच। आयुष का 19.4 है, अमन सर का 13.4 है। तो जैसे अभी आपने मोशन कैप्चर देखा, अगर आप ऐप में देखते तो देयर वर सेवरल इवेंट्स, तो हमने पूरे रनअप को 5 इवेंट्स में डिवाइड किया, वो सब ऑटोमेटिक हुआ। एक पहला होता है प्री इम्पल्स, इम्पल्स, बैकफुट कॉन्टैक्ट, फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट और रिलीज। तो ये सारे इवेंट्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं, मेरे जंप अपने आप डिटेक्ट होते हैं। कैसे हो रहा है? सेंसर को ट्रैक कर रहे हो ना आप इसमें? AI कहां से है? सेंसर को ट्रैक करके सेगमेंटेशन कर रहे हैं हम इसके पूरे की, यहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर बॉल का कहाँ पर है। सेंसर को पता नहीं ना कि ये क्रिकेट पे अभी मैं लगा हूँ, क्रिकेट के लिए कोई खेल रहा है या बॉलिंग कर रहा है, वो सेंसर को नहीं पता। सेंसर तो अपना डेटा प्रोड्यूस कर रहा है सेम लेवल पे। गुड पॉइंट। पर ये वीडियो सेंसर से नहीं हो सकता? जैसे क्रिकेट तो बहुत ही रिच स्पोर्ट है, जब वर्ल्ड कप भी हम देखते हैं वो सब थर्ड एम्पायर को जाता है, वो सब कुछ बता देता है कि विकेट को लग रहा था, ट्रैक क्या कर रहा है, स्विंग कैसा हो रहा है, तो वो सब भी तो वीडियो से ही हो रहा है। जी जी जी। तो उसके लिए बहुत सारा एनोटेटेड डेटा चाहिए होता है। वो तो आपको कैमरा से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पर बहुत लोकल लेवल पे या इन सारी जगहों पे इतने सारे कैमरास लगाना ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेटअप है। और ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये कोच को, ये एक कोच के पास एक सेट रहेगा या ये B2C भी है? अगर मुझे अपनी गेम इंप्रूव करनी है तो मैं लेके खरीद के खुद कर सकता हूँ? दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, हमारे पास में दोनों मॉडल हैं। एकेडमी खरीद सकती है इसको और रेंट पे ले सकती है, प्लेयर्स को प्रोवाइड करा सकती है, और ये शेयरेबल मॉडल्स हैं। तो एक मॉड्यूल जो है ये जैसे अभी इसने स्ट्रैप पे लगाया और आपके सामने ही लगा लिया, तो ऐसे एक प्लेयर उतार के दूसरे को दे सकता है जब नेट्स में चेंज हो रहा है प्लेयर। तो इस तरीके से 10 प्लेयर भी एक मॉड्यूल को शेयर कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। या मेरे को सिर्फ स्ट्रैप नहीं ना, मेरे को ये बॉडी सूट भी पहनना पड़ेगा ना? बिल्कुल जी, बॉडी सूट प्लेयर ऑलरेडी पहन। ये तो बड़ा ही गंदी चीज है। किसी बंदे का पसीने वाला बॉडी सूट दूसरा बंदा क्यों पहनेगा? तो आप अपने लिए पर्सनल भी खरीद सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। क्या कॉस्ट होगी पर्सनल खरीदने की? सो वी आर ऑफरिंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ।
रेंटल पर मंथ? यस। अगर आउटराइट परचेज करना है तो टोटल कॉस्ट क्या है? तो आउटराइट परचेज हम अभी नहीं दे रहे और हम सर्विस बेस्ड मॉडल पे ज्यादा वो करना चाहते हैं। अभी तक कुछ हमने जो है एक कोच के पास गए थे, हमने बोला था सर्विस मॉडल, पर वो इतने अर्ली अडॉप्टर थे, वो कह रहे थे कि उनको चाहिए ये चीज, उनको बहुत पसंद आया था, तो हमने उनकी एकेडमी में जाकर के डिप्लॉय कर दिया। तो हमने एक उनको किट दे दी थी। अदर देन दैट हमने जो वर्कशॉप कराई है, हमने 2000 रुपीस की कॉस्ट रखी थी इस वर्कशॉप में। कम किट्स होने की वजह से हम अभी 15 लोगों को सर्व कर पाए उसमें से। पर इसका कॉस्ट क्या है सेंसर का? मतलब अभी के लिए जो अगर हम 100 किट बनाते हैं तो फिर उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35,000 है। 35,000 की सेंसर्स? 100 किट्स पर यूनिट कॉस्ट इज 35,000। यस। तो तुम्हारी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग की है ना, तुमने जो सेंसर है वही तुम्हारे बिजनेस को इनहिबिट कर रहे हैं। ये अगर तुम 500 रुपए 1000 रुपए में बना लो, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, मे भी 1000 नहीं बनेगा, बट 1000 रुपए में बना लो तो बेच दो अमेज़न पे, ये तो फ्री जाने चाहिए सब कस्टमर्स। और फिर ऐप डाउनलोड करा के बच्चा अपना खुद देखता रहेगा, और अगर तुम उसको कंसल्टेशन चाहिए कि नहीं मेरे को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, वो बटन दबाएगा, पैसे पे करेगा, तुम वहां पैसे कमाना। ये बात है। तो सेंसर बनाने में जो है थोड़ी बहुत मिनिमल कॉस्ट जाएगी, वो बाद में जाकर के हम स्केल करके हम बहुत कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे। जब हम वो अफोर्ड कर पाएंगे तब हम वो डेफिनेटली एनेबल कर। कहां तक ला पाओगे? 35 से कहां तक ले आओगे? तो हमें ये दिखाई दे रहा है 25,000 तक पहुंच जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप B2C में क्यों नहीं जाना चाहते? B2C मॉडल में जाएं। हाँ जी। और मेरे को ये यूज करना है तो मेरे को इसकी कॉस्ट जो 25,000 रुपए आपको आ रही है ना, वो बहुत हाई है। यही कॉस्ट 2-3,000 रुपए में हो जाए तो फिर स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जाना चाहते हैं हम, बस लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेकर के जाना चाहते हैं। हमारा आज टारगेट ऑडियंस इज सीरियस स्पोर्ट्स पीपल इन द बिगिनिंग, जिनकी हम बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम जब स्केल करेंगे तो हम B2C वाले सेगमेंट में जाएंगे। राइट। कब कितना सेल होगा, ऐसा कोई प्रोजेक्शन बनाया? हाँ, थोड़ा सा मार्केट साइजिंग करी हमने। तो इस देश में 10 लाख एक्टिव क्रिकेट प्लेयर हैं, सेमी प्रोफेशनल सीरियस। Yes. सीरियस, हाँ। अच्छा। उसमें से आप समझ लीजिए 10% होंगे जो क्रिकेट एकेडमी जाते हैं। 1,00,000 हो गया। 1,00,000 हो गया। इसमें से जो है हम कह रहे हैं कि 20% लोगों को हम टारगेट करते हैं। अभी 20,000 हो गए। तो 20,000 प्लेयर। हाँ जी। हमारा जो KPI है वो हमारा है नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो वो जो है हम कह रहे हैं कि 1,000 रुपीस पर मंथ देंगे 20,000 प्लेयर्स। कितना हो गया? तो 24 crores। ये हो गया आपका साल का एनुअल? एनुअल, हाँ। प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज में है मेरे लिए, एंड वैल्यूएशन काफी हाई है फॉर समथिंग दैट्स प्री रेवेन्यू। So I'm out. मेरे को बस यही लगता है कि इसका ना एक रेवेन्यू मॉडल बहुत लिमिटेड रहेगा आफ्टर अ टाइम। ज्यादा प्रोफेशनल बॉलर्स ही यूज करेंगे और उसमें भी जब वो बन जाते हैं अच्छे बॉलर तो वो थोड़ा यूज करना कम कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे सबसे ज्यादा जो इश्यू लग रहा है ना इसमें हार्डवेयर का लग रहा है कि ये डैमेज होता रहेगा मेंटेन। आप 1,000 रुपए भी ले रहे हैं प्लेयर, सो साल का आपने 12,000 रुपए ले लिया। जी जी। दो प्लेयर ने भी यूज किया तो एक साल तो खाली हार्डवेयर कॉस्ट रिकवर करने में लग जाएगा और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट और। नहीं जी, हार्डवेयर कॉस्ट अलग थी। ये सब्सक्रिप्शन प्राइस जो प्लेयर पे कर रहा है अपनी एनालिटिक्स को एक्सेस करने के लिए पर प्लेयर। हाँ, हार्डवेयर के लिए हमने किट के हिसाब से 5,000 रुपीज पर मंथ रेंटल जो अगर अकेडमी लेती है तो वो अलग से पे कर रही है। तो हार्डवेयर की कॉस्ट ऐसे। चल मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। मैं 40,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ बट मेरे को इसमें 8% इक्विटी चाहिए। मेरा भी सेम ऑफर है और मैं साथ आने के लिए भी ओके हूँ। हाँ ठीक है, चलो मैं 40 लाख में आपको 7% में रेडी। आप नहीं तो ऐसा करो, आप 60 लाख हम तीनों से ले लो, 12% कर दो, खत्म करो। 12% दे दो। डील डन। आपको 5 मिनट लेना है तो आप बात कर सकते हो आपस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। What's up, guys? मैं एक काउंटर ऑफर करना चाह रहा था। अरे यार, आप लोग कंसिडर करेंगे 6% पे? ओए यार, बहुत हाई वैल्यूएशन।
हमको देखो इसमें आना है पूरा दिल लगा के यार, टाइम लगा के। देख तू, तूने अभी तक एक कस्टमर है, ठीक है, इसको प्रूव करना है, इनफ डेटा भी नहीं अंदर आने के लिए, हम तो तेरे पे पंट ले रहे हैं। ना आप जिस चीज पे काम कर रहे हो उसके लिए मैं इंजीनियर्स ग्लोबली हायर कर रहा हूँ, ग्लोबली, तो इसमें ना नेगोशिएट नहीं करते मेरे हिसाब से डील में, बिकॉज ये बहुत अर्ली है। इट्स अ फेयर डील। ये हमारा फाइनल काउंटर ऑफर आपको रहेगा 60 लाख पर 8%। 60 लाख 10% डील। हमारा 8% फाइनल ऑफर है। हम 10 पे आ गए, अब इससे नीचे नहीं आ रहे। We are ready to go with it. Deal करते हैं। It's a deal. All right. Good decision. Good decision. नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। मैं पुलकित आहूजा, मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, ऑथर और इन्वेंटर हूँ। शार्क्स, मैं इंद्रजीत हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और हम हैं टीम प्रॉक्सी। द्वापर युग में महाभारत के समय संजय के पास एक दिव्य दृष्टि थी जिससे धृतराष्ट्र कुछ भी कभी भी जान सकते थे। आज हजारों साल बाद कलयुग के भारत में प्रॉक्सी एक ऐसी मेड इन इंडिया पेटेंटेड टेक्नोलॉजी लाया है जिससे ना सिर्फ आप कहीं भी कुछ भी जान सकते हैं बट अपना लाइव असिस्ट बुक करके कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। आपको एक साथ हर जगह होने के लिए प्रॉक्सी की ऐप डाउनलोड करनी है और अपनी मनपसंद जगह पे प्रॉक्सी बुक करना है। लेकिन पुलकित, ये एक फोन की नॉर्मल वीडियो कॉल से डिफरेंट कैसे हुआ? बहुत डिफरेंट है इंदर। अगर कोई फोन कॉल करता है तो जो रिसीवर है उसका एक हाथ हमेशा फोन को पकड़ने में बिजी रहता है, बहुत ज्यादा जिटरी एक्सपीरियंस होता है। अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं तो आपके पास उसका कॉन्टैक्ट पहले से होना चाहिए और जैसे ही आप किसी को फोन करते हैं तो आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसे शेयर हो जाती है। प्रॉक्सी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है आपको प्राइवेसी, डिस्कवरेबिलिटी और इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके। मतलब मैं कैब में हूँ और मुझे प्रॉपर्टी व्यू करनी है, हो जाएगी इंदर? मैं घर बैठा हूँ और वाइफ के लिए दिल्ली की सरोजनी मार्केट से लाइव शॉपिंग करनी है, ये भी हो जाएगी इंदर? और अगर मैं मुंबई में हूँ और रिफाइनरी में एक जूनियर को रियल टाइम लाइव गाइड करना है, प्रॉक्सी से मुमकिन है। दोस्त, ये तो वरदान है। वरदान नहीं इंदर, टेक्नोलॉजी है। इन इन्वेंशंस के प्रॉक्सी के पास 6 पेटेंट्स ऑलरेडी ग्रांटेड हैं और मल्टीपल पेटेंट्स पेंडिंग है। हमारे प्रोडक्ट्स के मार्केट में 120,000 से ऊपर प्री ऑर्डर्स हैं जिसकी टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है। हम मांग रहे हैं 35 लाख रुपए 1% इक्विटी के लिए। So sharks, who all will join us and be everywhere? पुलकित, इंदर, Shark Tank में आपका स्वागत है। आप कहाँ के हो, कहाँ बड़े हुए, एक दूसरे को कैसे जानते हो, जरा बताएं। So दिल्ली में पैदा और बड़े हुए, इंजीनियरिंग दिल्ली में ही करी, फिर MBA करी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से द्वारका, और वहाँ पे MBA गोल्ड मेडलिस्ट था, फर्स्ट वन जिसकी प्लेसमेंट हुई और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स में आया एज अ रिसर्च एनालिस्ट। इंदर मेरे को वहाँ मिले 2012 में, ही वॉज माई 7 लेवल अप बॉस। वी गॉट टुगेदर, जेल टुगेदर बहुत अच्छे से। 1.5 साल में रियलाइज हो गया कि जॉब नहीं करनी है। आई जस्ट केप्ट इन टच विद हिम, उससे फिर बात करते करते मैं कहा जब एक मौका मिलेगा लाइफ में तो डेफिनेटली वी विल वर्क टुगेदर। तो इसने प्रॉक्सी का जब आइडिया बताया, मैंने इसको कहा कि मुझे लेट मी स्लीप ओवर इट, मेरे को एक दिन दे, मैं तेरे को बताता हूँ इसका कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये कौन से साल में हुआ? पिछले साल जून में। देख सकता हूँ मैं कैप? हाँ जी सर। और ये कैप 360 डिग्री कैसे होगा? नहीं, ये 360 नहीं है, 360 ये वाला है जो हेलमेट है। 4 डोमेन्स में इसके यूज केसेस हैं जो हमने कवर करे हैं, जिसमें से एक तो ये मल्टी पेमेंट गेटवे ऑडियो बॉक्स है। हमने क्या करा, इसको सारे मर्चेंट्स के लिए, सारे पेमेंट गेटवेज के लिए इनेबल कर दिया। मतलब इससे वीडियो कॉमर्स भी हो जाएगा और साउंड बॉक्स के लिए हमेशा ऑन भी रहेगा। दूसरा वेयर हाउसिंग में यूज़ हो रहा है। हमारे पास एक वन ऑफ द बिगेस्ट फूड स्टार्टअप्स के साथ फाइनल स्टेजेस चल रहे हैं, रेट नेगोशिएशन हो चुका है। आपका जितना भी वेयर हाउसिंग में आप स्कैन करते हो वो आप टैप को स्कैन कर सकते हो और उसको डाल सकते हो, और इसमें वॉइस भी है,
तो जो साउंड बॉक्स में भी यूज होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि नेक्स्ट आइटम इस ऑर्डर की ये है, एंड साथ साथ ये वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिलफरेज भी जीरो हो जाता है। सिंपल वेयरहाउस में बारकोड स्कैनिंग की बात करते हैं, तो मैं अपने फोरहेड पे एक स्ट्रैप बांध के अगर बारकोड रीडर लगा लूं तो मेरा वेयरहाउस प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है ना, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। वॉइस इनेबल भी करना पड़ेगा उसको, उसमें जीपीएस भी देना पड़ेगा, और उसमें कैप का जो आपका पैटेंट है उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यही काम एक स्ट्रैप पे डाल दूंगा तो आपका पैटेंट वैलिड नहीं रहेगा ना। बट एर्गोनॉमिकली स्ट्रैप पूरे टाइम तक पहना और कैप पहना थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। मैं बताता हूँ इसका प्रोडक्ट का यूज केस हो सकता है। तू बहुत कंफ्यूज्ड हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इसके ना बहुत सिंपल यूज केस बताता हूँ मैं तेरे को। हाई वैल्यू डिलीवरी है, ठीक है, ज्वेलरी डिलीवरी होती है, फोन्स की डिलीवरी होती है, पिलफरेज यहाँ पे होती है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने डिलीवरी को बेच दिया ये, और डिलीवरी के जितने एजेंट हैं वो पहन के आ रहे हैं, सिर्फ जब वो घंटी बजा रहे हैं ना उस टाइम अगर उसने अपना ऑन कर लिया कि सर मैं डिलीवरी करके आया हूँ बॉक्स, उसका यूज केस है। आपको वो सॉल्व करना था, अब उसको आपने उसमें 10 चीज़ें डालने की कोशिश कर दी कि मैं साउंड भी डाल दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी चीज़ जो आप बोल रहे हो फूड कंपनी में, इवन ग्रोफर्स में जब मैं था हमारे को बहुत रेलेवेंट यूज केस लगता था कि पिलफरेज हर लेवल पे होती थी। तो अगर एक बंदा एक बॉडी कैम या हेड पे कैम पहन के है तो आप चाहे उसको चेक भी ना कर रहे हो, ठीक है, पर एक डेटरेंट बन जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ा यूज केस है, मैं आपको बताता हूँ। हमको KYC करना होता है, ठीक है, तो जैसे मेरा QR लगा है, जब मेरा बंदा QR लगाने जाता है मैं भी उसको बोलता हूँ तो उसकी पिक्चर ले, बट अगर ये ऑलरेडी वो कैप पहन के जा ही रहा है उसको कुछ करने ही नहीं है, वो QR लगा के आ गया, सब रिकॉर्ड हो गया उसमें, और मेरा KYC हो गया। लोन का जो जैसे अगर आपको लेंडिंग करनी है किसी को, RBI की रेगुलेशन है कि आपका वीडियो KYC होना चाहिए, ठीक है। अब तुम ब्रांच में बैठ के KYC करो या एक कैमरा लगा दो वहां से वीडियो KYC हो रहा है, तो यूज केस बहुत सारे हैं। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि तू 10 चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे है। इंदर आप क्या करते हैं, आप बड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। मैं एग्जीक्यूशन में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बिलीव, ही इज अ इनोवेटर, ही इज एन इन्वेंटर। तो इक्विटी स्प्लिट कैसे है दोनों में? 13% इंदर के पास है, 13%। हां जी, एंड ही इज द CEO इन अ सेंस, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन। और आपके पास 57%। फंडामेंटली आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी हो, डू यू एग्री और डिसएग्री? वी आर अ प्रोडक्ट कंपनी, वी अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द मार्केट, एंड हम प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हैं उसके हिसाब से। अदरवाइज हमें ऑडियो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, जैसे आपने कहा। हम सीधा हमारे पास इंश्योरेंस से कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बट हमें ये भी समझ आया कि यार एक स्पीकर इसमें डाल दो तो जो आपका सर्विसेबल मार्केट है। भाई स्पीकर भी डाल दियो, सोलर पैनल भी डाल दियो। आप मुझे बताइए, आप फोकस कर सकते हैं सोलर पैनल? या क्योंकि आप इन्वेंटर है ना, तो आप हमेशा कॉन्स्टेंटली इन्वेंट करना चाहते हैं, तो किसी को तो बिजनेस चलाना पड़ेगा ना एक इन्वेंशन को लेके स्केल करने में। दैट इज अ हेडेक दैट आई डील विद, दैट इज व्हाट वी डू, दैट इज व्हाट यू डू। पुलकित, मैं काफी सोच रहा था इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, आपको समझ नहीं है आप क्या हो। आप जब आए आपने कहा आप क्या क्या हो, इन्वेंटर हो, सीरियल एंटरप्रेन्योर हो, ऑथर हो। गूगल बाय गॉड एक बुक लिखी थी मैंने, गूगल बाय गॉड, चलो ठीक है आप ऑथर भी हो। जो प्रोडक्ट में पैसा लग रहा है, मुझे मार्केट दिख रही है, वो मुझे तेजी से कमोडिटाइज होते हुए दिख रहा है। आप बना भी दोगे, यहाँ भी ऑर्डर मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे आपकी कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है, इस वजह से मैं आउट हूं। लेकिन आई एडवाइस यू, प्लीज फाइंड फोकस एंड देन बिल्ड अ बिजनेस। गुड लक। मुझे लगता है कि आपको ना एक सेल्समैन की जरूरत है, रॉकेट सिंह की तरह सेल्समैन होना चाहिए, जो आए यहाँ पे वो सिंपल कुछ नहीं करता, ये लेके आता और कुछ कंफ्यूजन नहीं करता ना। आपने कहीं गोल्ड स्टैंडर्ड, आपको जहां जहां गोल्ड मिला, जहां जहां फर्स्ट आए हो, जो जो आपने बुक्स लिखी हैं, जो जो आपने इन्वेंशंस करी हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको ऑर्डर मिल जाता। मैं अभी इस रीजन से आउट हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी इन चीजों की मैच्योरिटी की जरूरत है और सेल्समैन की जरूरत है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क। चलो यार, एक ऑफर दे रहे हैं आपको। मुझे लगता है आपको हेल्प की जरूरत है, थोड़ा फोकस की जरूरत है। प्रोडक्ट में टेक अच्छा है, UX मेनली है। मैं और अश्नीर साथ आएंगे, दो शार्क्स आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक पूरा बुके ऑफ कंपनीज है जो रिटेल कंपनीज को सोल्यूशन देते हैं, चाहे कंप्यूटर विजन की एक कंपनी है,
अभी एक और कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो खाली लोकेशन बेस्ड इंटेलिजेंस देगी, वो भी रिटेल के लिए, तो वहां पे भी इसका एप्लीकेशन है। तीसरा, इसका हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सकता हूँ मैं आपकी काफी। तो हमारा ऑफर है आपको 35 लाख नहीं, क्योंकि हमें मीनिंगफुल इक्विटी चाहिए और हम दोनों स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आएंगे, तो हम 50 लाख रुपए देंगे 10% के लिए आपको, दोनों 5-5% लेंगे। एक ऑफर हो गई, बाकी 3 शार्क्स आउट ही हैं, तो आई थिंक यू शुड रिस्पॉन्ड टू दैट। क्या लग रहा है? हमारे पास आपके लिए काउंटर ऑफर है, हमें 50 लाख रुपए चाहिए 2.5% इक्विटी के लिए, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन बनती है 20 करोड़ रुपए। मैं एक प्रपोजल दूं? हाँ। अगर हम आपको, देखो इक्विटी हमको थोड़ा डिसेंट चाहिए और आप जो वैल्यूएशन मांग रहे हो वो भी एक्सट्रीम लग रहा है, व्हाट इफ वी गेव यू 1 करोड़ फॉर 10%? डबल कर रहा हूँ मैं जो ऑफर दे रहा था, 50-50 लाख डालेंगे हम। Go for it. Let's do it. Can we have another 2 crores on valuation? नहीं यार, I think ये ऑफर अच्छी है। उससे नीचे तो हमारे लिए फिर ये हमारे लिए भी बड़ी कमिटमेंट है। स्किन इन द गेम भी होनी चाहिए ना? नहीं, we are okay with equity. हमें परसेंटेज ठीक है, हम थोड़ा वैल्यूएशन पे कह रहे हैं कि हम मतलब हमारी यार वो हम हमारे पे छोड़ दें, हमारा पैसा लगा हुआ है, तो आपकी कंपनी हमारे लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इसका नेक्स्ट राउंड कैसे हो। और उस मामले में मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल हूँ, अगर एनीथिंग मैं आज भी आपको कमिट कर रहा हूँ, जैसे हमें लगेगा कि कंपनी के लिए जो नुकसानदायक है हम अपने आप फ्लेक्सिबल होंगे उसको एडजस्ट करने के लिए। पुलकित इंदर क्या करना चाहोगे? 1-2-3 करो यार। Go for it guys. ले ले, ले ले। It's a deal. Deal, deal. It's a deal. Good decision. Congratulations good guys. Good decision. Very good. Good luck. Welcome. काम है यार, देखो good job. Lucky to have. And I'm very excited about IoT and software put together. Happy to have you. Very nice. Thank you so much. Thank you so much. फोकस करना है तेरे को। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चार्ल्स। तो ऐसे लोग जो है ना, ये जब हम हायर करने जाते हैं तो मिलते नहीं ऐसे लोग। यार जब मार्केट गिरेगी ना तभी ऐसे लोग मिलेंगे। आज की डेट में कोई भी अच्छा बंदा है वो एंटरप्रेन्योर बनना। एंटरप्रेन्योर मैंने आपको यही तो सुबह बताया था, ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं पर मिलते नहीं है। बहुत देख लिया ना इसको, ये लोग नहीं मिलेंगे, इतने स्मार्ट लोग नहीं मिलेंगे। वो जो नर्ड वाले मिलेंगे ना, वो मिलेंगे। वो मिलेंगे।